गाइस, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति स्पीक्स। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि ज्योति स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाइए इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलते रहे। साउथ फिल्म स्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। इस फिल्म को केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील बना रहे हैं। ये एक डार्क एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें सुपरस्टार प्रभास दासु एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में एक्टर प्रभास के अपोजिट लीड रोल में श्रुति हसन नजर आने वाली है। इस फिल्म के शूटिंग का एक हिस्सा पूरा भी हो चुका है, बाकी हिस्से की शूटिंग हैदराबाद में कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद की जाएगी। इसी बीच फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी दोस्तों सामने आ रही है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में तमिल अदाकारा ज्योतिका की एंट्री होने वाली है। अभी इसकी कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर फिल्मी हलकों में तेज चर्चा है कि ज्योतिका फिल्म में प्रभास की बड़ी बहन के किरदार में दिखाई देने वाली है। इससे पहले अदाकारा ज्योतिका अपने देवर कार्तिक की फिल्म थाम्बी में उनकी बड़ी बहन का किरदार निभा चुकी हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने कई बार इस तरह के किरदारों के लिए मना भी कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या अदाकारा सुपरस्टार प्रभास की फिल्म में उनकी बड़ी बहन का किरदार निभाती है या फिर नहीं। जिन्हें जानकारी नहीं है, वह दोस्तों ने बता दी कि अदाकारा ज्योतिका साउथ के सिंगम और तमिल सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार की पत्नी है। वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय, अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रखें। और अब आ ही गए इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिए। ज्योति स्पीक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।